बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए कि चैनल हमारा कहीं फ्रीज तो नहीं हो गया, क्योंकि हमारे व्यूज नहीं आ रहे, और हमारे व्यूज आते भी थे तो वो जीरो हो गए हैं। यानी कि अगर हमारे 12, 15, 20 व्यूज आते भी थे तो अब हमारे जीरो व्यूज आने लगे हैं, या अगर हमारे व्यूज आते भी हैं तो वो 1000-2000 पे जाके स्टक हो जाते हैं, उसके बाद हमारे व्यूज नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बेसिकली किन रीजंस की वजह से आपका चैनल फ्रीज हो जाता है, और इसके बाद आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अब आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मसला, एक बीमारी डायग्नोज हो गई है, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगी। अगर तो आप वीडियोस कंसिस्टेंसी से अपलोड कर रहे हैं फिर भी आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे तो आपका चैनल समझे फ्रीज हो गया है। दूसरी मेन निशानी क्या होती है कि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ भी रहे हैं तो व्यूज आपके चैनल पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और अगर आप YT स्टूडियो में एनालिटिक्स पे जाके चेक करते भी हैं तो आपको वहां पर क्या दिखता है कि आपके इंप्रेशंस यूट्यूब ज्यादा नहीं भेज रहा। तो दैट्स द रीजन आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने तो थंबनेल भी अच्छा बना लिया, SEO भी अच्छी कर ली है, और वीडियो को भी हम आपके बताए हुए तरीके से कंसिस्टेंसी से अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे। इनफैक्ट मुझे एक कमेंट आया था कि एक सिस्टर है मेरी जिन्होंने मुझे कहा कि मैंने 100 वीडियोस डाल दिए, यानी कि 102 वीडियोस होने वाली है मेरी, बट फिर भी मेरे चैनल पे व्यूज ना आने की मुझे अभी तक शिकायत है। वो रीजंस हैं कि किन रीजंस की वजह से आपका चैनल फ्रीज हो जाता है, यानी कि वो गलतियां हम ही करते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, तभी हमारा चैनल यूट्यूब फ्रीज कर देता है। बेसिकली चैनल के फ्रीज होने की रीजंस क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका चैनल फ्रीज हो गया है। अब यहाँ पे पहला रीजन क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका नया नया चैनल मोनेटाइज हुआ है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यूट्यूबर्स बहुत डेस्परेट होते हैं कि अब उन्हें यहां से अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो नया नया चैनल मोनेटाइज हुआ होता है, बट वो क्या करते हैं कि अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं आफ्टर मोनेटाइजेशन अपनी ही वीडियो खुद प्ले करते हैं, और उसको प्ले करने के साथ साथ एड पे भी क्लिक कर देते हैं, और एक से दो दफा भी प्ले नहीं करते बल्कि कुछ ज्यादा क्वांटिटी में प्ले कर लेते हैं। ये चीज क्या होती है, इनवैलिड क्लिक्स में आ जाती है। आपके इनवैलिड क्लिक्स की वजह से आपका चैनल फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद आपको व्यूज ना आने की शिकायत होती है, इंप्रेशंस ना जाने की शिकायत होती है, ठीक है, सब कुछ बेस्ट करने के बावजूद भी, तो तब आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। यानी कि आप भी देख रहे हैं, घर में और भी लोग हैं सेम वाईफाई से, वो भी देख रहे हैं, आफ्टर मोनेटाइजेशन मैं ये बात कर रही हूं, आफ्टर मोनेटाइजेशन आपने इस चीज का ख्याल रखना होता है। सेकंड मेन रीजन क्या होता है कि आपका चैनल फ्रीज हो चुका है, वो ये कि इन केस अगर आपने अपना चैनल मोनेटाइज तो करवा लिया लेकिन मोनेटाइजेशन के वक्त आपने सब टू सब करा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ था फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, डिफरेंट किस्म की कम्युनिटी या ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ था ताकि वो आपका चैनल सब्सक्राइब करें, आप उनका चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा ये चीज यूट्यूब में इनवैलिड ही मानी जाती है। इसके अलावा ये कि आपके चैनल पे भी इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपका चैनल फ्रीज हो जाता है। थर्ड मेन रीजन ये हो सकता है कि अगर आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई स्ट्राइक आई भी है तो उसकी वजह से भी आपके चैनल की प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जी हाँ, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते रहते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट इनिशियली आपको चैनल फ्रीज होने की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो ये भी वजह हो सकती है और नॉर्मली होती भी है। अब अगर मैं आपको फोर्थ रीजन के बारे में बताऊं तो वो ये कि अगर आप अपने चैनल से अपनी वीडियोस को बार बार डिलीट करते हैं यूट्यूब आपके बारे में फिर यही सोचता है कि इनकी वीडियो में या तो कोई मिस्टेक थी जो ये बार बार डिलीट कर रहे हैं, अदरवाइज ये एक्टिविटी यूट्यूब पे अच्छी नहीं होती। आप अगर बार बार एक वीडियो अपलोड करते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं किसी भी रीजन की वजह से तो ये चीज यूट्यूब पे अच्छी नहीं होती, आपके चैनल की प्रोग्रेस इससे खराब हो जाती है, आपके चैनल का जो एक इंप्रेशन होता है ना यूट्यूब पे वो खराब हो जाता है, और फिर आपका चैनल फ्रीज हो जाता है, जिसे हम नॉर्मली डेड भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, अब एक आपको छोटी सी मिसाल देती हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक फ्रीजर है, हमारा फ्रिज है, जिसमें हमने फ्रीजर के पार्ट में बहुत टाइम से सफाई नहीं की होती, तो क्या होता है कि हमारा जो फ्रीजर है वहां पे बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब वहां पे बहुत जल्दी बर्फ जम जाती है तो क्या होता है कि फिर वो सफाई मांगता है, अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो वो मजीद हालत उसकी बद से बदतर होती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका एक अदद चैनल है जो कि फ्रीज हो चुका है आपके कुछ इनवैलिड एक्टिविटीज की वजह से, तो अब आपने बेसिकली अपने इस चैनल को अनफ्रीज करने के लिए क्या करना है, तो बहुत सिंपल और आसान से स्टेप है। जो मिस्टेक मैंने आपको बताई कि आप ये कर रहे हैं जिसकी वजह से चैनल को फ्रीज करने के रीजन हो सकते हैं, सबसे पहले तो आपने वो सारी चीजें छोड़ देनी है। जब आप वो सारी चीजें छोड़ देंगे ना, उसके बाद आपके चैनल पे थोड़ा सा फर्क पड़ने लग जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो बनाने जो कि मोस्ट सर्चेबल टॉपिक्स हैं यूट्यूब पे, ताकि आपकी वीडियो सर्चेस में आए। एक वीडियो, दो वीडियो, 10 वीडियो, 12 वीडियो, आपने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियोस को अपलोड करना है, आपने अपनी SEO बेहतरीन करनी है, जैसा कि मैं आपको बताती हूं, आपकी थंबनेल से लेकर के आपके टैग्स सब कुछ आपने बेस्ट करने हैं। देखें, हिम्मत नहीं हारनी, सबसे पहली बात ये,
आपने हिम्मत के साथ कंसिस्टेंसी से अपनी वीडियोस को मुस्तकिल अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी नीच आपने सिलेक्ट की हुई है ना, उस नीच के हिसाब से आपने टॉपिक्स वगैरह सर्चेबल ले लेने हैं। अब वो आप कैसे ले सकते हो? यूट्यूब चैनल पे जाना है। यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद आपने इनकॉग्निटो मोड टर्न ऑन कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। उसके बाद आपने यूट्यूब पे ही सर्चेस पे जाके जो भी आपका टॉपिक है, हाउ टू लिखे, हाउ टू से रिलेटेड आपका टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू मेक, इसके बाद आपको जितने या सबसे ऊपर जो सर्चेस पे जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं ना, वो आ जाते हैं। देखें, वो आ गए। इसके अलावा हाउ टू क्रिएट, ये सदाबहार टॉपिक्स हैं। आपको ये जो मैं बता रही हूँ ना आज, ये देखें, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट एप्पल आईडी, मोस्ट सर्चेबल वैल्यूज और मोस्ट सर्चेबल टाइटल्स हैं, ठीक है। तो वो आपको ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इसके अलावा जो सेकंड चीज है जो आपने करनी है, अगर आप बहुत ज्यादा लंबी वीडियोज बना रहे हैं ना, तो उसको आप शॉर्ट कर दें। 8 मिनट की, 10 मिनट की वीडियोज अगर आप बना रहे हैं, तो आप अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोज को अपलोड करना स्टार्ट करें। इस तरह की वीडियोज बनाएं ताकि छोटी छोटी वीडियोज होंगी तो आपके अपने सब्सक्राइबर्स भी उन वीडियोज को देखेंगे और मुकम्मल देखेंगे। YouTube आपके इंप्रेशन आगे अच्छे भेजेगा, जिसकी वजह से आपका चैनल अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर इसको जरूर कीजिएगा, और अपनी क्यूरीज अगर हो तो कमेंट पे भी बताइए। इस वीडियो के हवाले से भी कोई बात हो तो कमेंट पे जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करती हूँ, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।